સુરત થી પરપ્રાંતિયોને માદારે વતન લઈ જતી શ્રમિક સ્પેશિયલ ટ્રેનની ટિકિટને લઈને અનેક વિવાદ સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે ઉડિયા પ્રભારી સમાજના પ્રમુખ પાસેથી કાપોદરા પોલીસ મથકના પીઆઈ દ્વારા પ્લેકમાં 400 ટિકિટ માંગવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવતા નવો વિવાદ શરૂ થયો છે. સર, ક્યા હે પૂરા મામલા, ક્યું આપકો આજ પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાને કી જરૂરત પડી? પહેલે તો હમને પ્રવાસી ઉડિયા સમાજ કા તરફ સે આપ લોગ કો પ્રેસ કોન્ફરન્સ મે બુલાએ ઓર આપ લોગ ને આયે ઇસકે લિયે મીડિયા ભાઈ કો સબકો બહોત બહોત ધન્યવાદ. और हमने ये इस टाइप का खुलासा कई बार मीडिया का सामने बोलने के लिए आगे में आए, बट मैं बोल नहीं पा रहा था और आज बोलने के लिए इसके लिए मजबूर हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का चलते पुलिस का जिस टाइप का गुंडा राज चल रहा है और एक समाज सेवी का ऊपर में आक्षेप किया जा रहा है, तो उसके लिए मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग का सामने में उजागर कर पाऊँ कि एक्चुअली क्वारंटाइन में जो गरीब मजदूर लोग हैं उनको सहायता करने का बजाय पुलिस ने उनका व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सब पुलिस नहीं है, पुलिस बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, बहुत ऐसे आदमी लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हैं. मैं एक कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ और वो है उड़िया कम्युनिटी. तो उड़िया का मतलब कम्युनिटी के लिए काम करने का साथ साथ जो उन लोगों का विश्वास का ऊपर हमने ट्रेन टिकट का मतलब ट्रेन उनका साइट में हर विस्तार से सायन से लेकर के सचिन तक मैंने ट्रेन कैसे मतलब उन लोगों सुरखुर से अपना गांव जा पाए उसी हिसाब से हमने फाइल रखे थे और कलेक्टर साहब का ऑफिस में फोर्थ फ्लोर में. तो उसमें हमारा ये जो डिप्टी कलेक्टर साहब भरोस साहब भी मतलब संभालते हैं. 22 तारीख को मेरा पास में इन्फॉर्म मतलब आया कि धरती नगर से उड़ीसा के लिए 1600 आदमी का एक ट्रेन जाएगा. तो मैं बोला ठीक है, तो हम लोग जा करके पैसा भर करके टिकट भी लेके आए. इन बिटवीन हमारा एक धरती नगर का एक पीआई कापोदरा का उनका नाम है मनसुख गुज्जर जी ने हमको फ़ोन करके बोले कि आपने टिकट क्यों लाए. मैंने बोला सर कलेक्टर ऑफिस ने दिया, क्या हुआ आपका प्रॉब्लम ना, वो मेरा आदमी 400 आदमी है, मेरा आदमी मतलब जाएगा. मैं बोला सर 400 आदमी मेरा आदमी है मतलब ये तो सर खाली उड़ीसा के लिए ही जा रहा है ट्रेन ना, तुम ज़्यादा सियानागिरी मतलब मत करो, 400 आदमी मेरा ही मतलब टिकट है, तुम मेरा को ही दो. तो मैंने बोला नहीं सर, सॉरी सर, मैं आपको दे भी नहीं पाऊँगा. तो उन्होंने बोले मेरा को सब कलेक्टर साहब से मेरा बात हो गया है और मैंने कॉन्फ्रेंस में सब कलेक्टर साहब से भी बात करवाया और हमारा ये जो हरदीप सिंह ऐसे है मामलदार, उनसे भी मैंने कॉन्फ्रेंस में बात कराया और उनको क्लियरली बोला गया कि नहीं सर, ऐसे 400 टिकट आपका ऐसा नहीं है, वो एक ट्रेन के लिए है और उड़ीसा का मतलब ट्रेन है और उसमें सर 400 ये वो प्रदीप भाई का जो धरती नगर का ये है उन्होंने क्लियरली बोले. इन्होंने क्लियरली बोलने का बावजूद क्योंकि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ट्रेन टिकट में एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ रोल ही नहीं है, बट गुज्जर साहब का एक पुलिस वाला का इस टाइप का हरकत का चलते सारा पुलिस बदनाम हो रहे हैं. जैसे कि उदाहरण, इसमें पुलिस का क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पुलिस उसमें इन्वॉल्व है कि वो ब्लॉक का पैसा किस टाइप का मतलब वो लोग उन ब्लॉक कमाएंगे और उड़िया का माध्यम से. मेरा को इसके लिए शंका आ रहा है कि उनका व्यक्तिगत क्या है कि 400 टिकट मुझे क्यों दे, मतलब वो तो पुलिस होता है सब एरिया के लिए, सब एरिया उनको सुरक्षित मतलब श्रृंखलता का हिसाब से कि ये से उनको मतलब जाना है, उनको कैसे भी करके उनको सब आदमी को लेकर के कैसे शांति से मतलब जाएगा, इस टाइप का उनका मतलब ये है. बट वो रोल छोड़ करके पुलिस ने हर जगह पे हर क्षेत्र में, जैसे कि डायमंड नगर में, आपने बिलीव नहीं करेंगे, डायमंड नगर में 4 फाइल दिया हुआ था, अगर 4 फाइल दिए मतलब दिए हुए हैं वहाँ भी पुलिस का रोल है. पुलिस को कलेक्शन करके हमने सुने 1500 करके मतलब दिए हुए हैं, 1800 करके दिए हुए हैं पुलिस वालों ने मतलब कलेक्शन किए हुए हैं और ये मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है, बट मेरा को शंका आ रहा है कि ये बात 100% सही होगा, क्योंकि अगर एक नंबर फाइल
पहले मतलब नहीं जा करके हमने जिस फाइल को रखे हुए हैं वो फाइल मतलब क्लियर नहीं होता है, चौथा नंबर फाइल पांचवा नंबर फाइल क्लियर हो जाता है। क्यों? फास्ट कम फास्ट, मतलब जो पहला वो मतलब पहला जाए, जो दूसरा वो मतलब दूसरा जाए, तो टिकट ब्लॉक नहीं होगा। तो प्रशासन उसको स्टॉप करने का बजाय पुलिस उन्हीं मतलब सब पुलिस नहीं है, कुछ पुलिस के चलते ऐसे जैसे ये जो मतलब जो गुज्जर जी का नाम मैंने मतलब बोला, इन्हीं लोगों का जैसे का मतलब चलते आज सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो मतलब हो रहा है। और इसके लिए मेरे को डीजी से तथा कमिश्नर साहब से अनुरोध है कि जैसे कलेक्टर साहब ने एक पेपर ने लिखा हुआ था कि फास्ट कम फास्ट ने उन्होंने मतलब चलाने के लिए बोल दिए हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कलेक्टर का होता है कि उसको फॉलोअप करे। तो सब कलेक्टर क्यों नहीं फॉलोअप कर रहे हैं, क्यों फास्ट कम फास्ट को नियम मतलब नहीं दिया जा रहा है? एक ही जगह पे पांडेसरा में एक जगह पे जो दो दो तारीख से फाइल है वो नहीं जा रहे हैं, जो अभी फाइल दिए हैं वो लोग कौन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उनका क्या वो कोई झमेला कर रहे थे ना, उनको कोई ये कर रहे थे? जो आदमी बाहर के भी लोग खाने का पीछे में नहीं भाग करके अभी सब घर जाने का पीछे में भागे हुए हैं, जो कि वो संभव भी नहीं है, इतना आदमी एक साथ घर जा भी नहीं सकता। बट उनको अगर निश्चित डेट मिल जाए कि फास्ट कम फास्ट में आने से उनको एक माइंड में सेट हो जाएगा कि नहीं मैं 15 तारीख को जाऊंगा, मैं 20 तारीख को जाऊंगा, तो वो माइंड को सेट हो जाएगा। तो उस टाइप का ये नहीं करके हम कैसे भेजेंगे? इसमें उड़िया लोगों भी काफ़ी सारे आदमी क्वारंटाइन में मतलब ये होकर के 3 आदमी डेथ भी कर मतलब कर चुके हैं, उसके लिए हम लोग को भी बहुत दुख है। बट उनके लिए सरकार ने क्या स्टेप लिए? वो एरिया में सबको टेस्ट किया गया क्या? वो एरिया में बिना टेस्ट किए सबको मतलब भेजा जा रहा है उड़ीसा, उड़ीसा जाने के लिए सबको जितना इच्छुक है, बट टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है? हम पूरा का पूरा 1600 बॉम्ब तैयार करके भेज रहे हैं, ये पुलिस का काम नहीं है? ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मतलब शांति से रहे, ये सब कलेक्टर का काम नहीं है? ये जो टिकट मतलब ब्लॉक करने का बारे में जो बात हो रहा है, मैं 1 रुपया का भी ब्लॉक नहीं किया हूँ ना कर, जो मैंने इसके ब्लॉक होता है बोल करके मैंने आज से 10-15 दिन हूँ मतलब पहले मैंने कलेक्टर साहब को भी लिख के दिया था कि नहीं सर टिकट ब्लॉक हो रहा है उसको बंद किया जाए, मैंने कमिश्नर साहब को भी लिख के दिया था कि सर टिकट ब्लॉक हो रहा है बंद किया जाए, ये सब लिख कर के देने का बावजूद जैसे ये जो PI जो गुज्जर जी हैं इन्होंने ब्लॉक का उनका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ये कर रहा है बोल करके मैंने ही आक्षेप लगाया था, तो ये उन लोगों का काला बाजारी जैसे बंद ना हो जाए और उस टाइप का आगे मतलब बढ़े, ये दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा करके खुद बचना चाहते हैं। और अगर सही से मैं अगर इस टाइप का मैं आगे जा करके ये अधिकारी मतलब लोगों का ऊपर में जो मेरे नाम पे इस टाइप का किए हैं उनका नाम पे मैं मानहानि केस 25 लाख का करने वाला हूँ। ट्रेन बुकिंग में आपका क्या रोल होता है? ट्रेन बुकिंग में एक्चुअली हम लोग का रोल ये होता है कि हम लोग जो फाइल हम लोग को मिलता है जो एरिया का फाइल मिलता है हम लोग लेकर के सिंपल हम लोग लेकर के कलेक्टर ऑफिस में जमा कर देते हैं और उसमें एक सीरियल नंबर आता है, तुम्हारा 2 नंबर सीरियल है, तुम्हारा 3 नंबर सीरियल है, ये सीरियल नंबर मतलब डाल करके रिसीव करके उन लोग को रख देते हैं। फिर आप ये फाइल आप रखते हो, फिर उसके बाद में टिकट आप किसको? उसके बाद कलेक्टर ऑफिस ने ही डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रेन पहले जाएगा कौन सा मतलब एरिया का, वही तो मैं बोला आपको कि ये टिकट आप वहाँ फाइल जमा कराने के बाद आप ये टिकट अगर आपका ट्रेन पास हो जाता है तो आप कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कोई दूसरे लोग आप देने के बाद कोई ब्लैकमेल करता है, ऐसा कोई बात सामने है? हाँ होता है सुनने के लिए मतलब मिला है। और ये भी मतलब हमने काफ़ी सारे मतलब पुलिस कर्मी भी मतलब ये भी इन्वॉल्व हैं और काफ़ी सारे मतलब आदमी भी हम लोग का इन्वॉल्व मतलब होते हैं, हम लोग उसको क्यों ये पुलिस का काम है उनको बंद कराना ना कि उसको उनको प्रोत्साहन मतलब देना। और अगर हमारा पास में टिकट जब आता है तो हम किसको देंगे? जिसने बुक किया है हम उनको ही देंगे, नेचुरल बात है, जो एरिया का जो आदमी है उनको ही देंगे और हमारा ही आदमी को मतलब देंगे, हमारा आदमी जा करके फिर नीचे से जा करके इस टाइप का। अगर पुलिस पुलिस का काम है क्या कि टिकट भरना, टिकट का अर्जी भरना?
पुलिस का काम है क्या कि नहीं टिकट के लिए उनको मतलब ये करना, मतलब जो जो सीरियली आता है उसको फॉलो मतलब नहीं करके हम दूसरे को मतलब जो एक नंबर सीरियल है उसको नहीं दे करके 10 नंबर पुलिस का थ्रू से जो जाएगा उसको मिलेगा, क्यों क्यों उस टाइप का मतलब ये हो रहा है? जो अधिकारी ने आपसे जो टिकट मांगा वो किस वजह से मांगा? मेरा को वही समझ में सर नहीं आ पा रहा है कि उन्होंने मेरे को 400 टिकट मांगे मेरा आदमी का, बट मेरा आदमी उन्होंने बोले मेरा आदमी 400 आदमी जाएंगे। मैंने उनको क्वेश्चन भी मतलब बोला सर मेरा आदमी मतलब आप तो सर पूरा अखा सूरत का है, आपका थोड़ी खाली सर धरती नगर में है, आप अगर अगर कामरेज जाएंगे। बट मजे की बात यह है उस दिन कामरेज में हो हल्ला जो हो रहा था, हमने कामरेज को भी पुलिस को भी टिकट दिए हैं, कामरेज को भी पुलिस को भी टिकट, सॉरी कामरेज किम 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 पुलिस को भी हम लोग ने टिकट दिए, उनसे इंक्वायरी आप कर सकते हैं, उनको भी टिकट दिए हैं। मैंने उनको भी बोला कि सर हम पुलिस जहाँ पे प्रॉब्लम होता है जो जिसका मजबूरी है हम उसको उठाएंगे सर। जो एक्चुअली सर उदयपुर से आते हुए कलेक्टर साहब ने बोले, सब कलेक्टर साहब ने उदयपुर से चल करके आए हैं, कुछ आदमी हैं उनको ले मतलब ले जाना है, तो क्या करेंगे उनको उठाएं, बापी से भी उठाएं, भरूच से भी उठाएं, इस टाइप का आदमी हम उठा करके भेज रहे हैं। हम अगर बोलेंगे ये मेरा आदमी है तेरा आदमी है तो ये ओडिया मेरा तेरा में बढ़ जाएंगे, इसीलिए मैं वो होने नहीं दिया। इसके लिए मेरे ऊपर मतलब झूठ मूठ का इस टाइप का आक्षेप किया गया।